नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 6 फरवरी से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन 6 व 7 फरवरी को धर्मनगरी वृंदावन में सुंदरक मार्ग स्थित बांके बिहारी बीआरसी आश्रम पर आयोजित होगा। ये जानकारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के सभी प्रांतों के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को संगठन की कोर कमेटी की बैठक होगी। 6 फरवरी को सुबह 11 बजे से 4 घंटे अधिवेशन चलेगा। अधिवेशन में आर्थिक आधार पर आरक्षण, प्रांतों के संगठन व संगठन मजबूती एवं नए पदाधिकारियों के चयन आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादू, उनकी रिपोर्ट। हमारे जो अधिवेशन ये पिछले बार कोरोना की वजह से नहीं हुआ, इस बार मैंने यहाँ इसको वृंदावन में रखा है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली जन्मस्थली ब्रज में राधा कृष्ण की। तो वो 6 और 7 तारीख का होगा फरवरी। 6 तारीख को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और 7 तारीख को 11 बजे से प्रातः ये अधिवेशन 4 घंटे करीब चलेगा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे उसमें? हमारे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से प्रांतों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित होंगे। हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के संरक्षक मंडल के भी कुछ लोग यहाँ उपस्थित होंगे और हमारे सभा के उपाध्यक्ष, महामंत्री, महिला अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी भी यहाँ महिलाएं उपस्थित होंगी। कोरोना काल की वजह से हमने उस पर थोड़ा प्रतिबंधित किया है, तो हम समझते हैं कि लगभग 150 प्रतिनिधि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसमें जो हमारा मुख्य एजेंडा होता है कार्यकारिणी में, सर्वप्रथम तो हम अपने संगठन पर चर्चा करते हैं, कि हर एक प्रांत में संगठन को मजबूत किया जाए, वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो क्या अपने संगठन में वहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सी जगह वो लोग अपने गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चियों की विवाह करते हैं, और भी ये नहीं कि क्षत्रिय समाज के ही, और भी जातियों से जो भी वो समझते हैं कि बहुत लाचार हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो इस पर हर जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष होंगे अपने विचार रखेंगे। उसके अलावा हम भी संगठन की चर्चा उनके विचारों के बाद हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है प्रकाश डालेगी। उस योजना क्या रहेगी फिर आपकी? जी आप आगामी क्या योजना तैयार होंगी? हाँ बता रहा हूँ, इसके दूसरा हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा है कि भारतवर्ष में सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण करना चाहिए, जातिगत आधार का आरक्षण उसको खत्म कर देना चाहिए।